हेलो फ्रेंड्स, आई एम सर्वेश एंड टुडे आई विल टीच यू दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड इन जावा। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कीवर्ड? जावा में दिस कीवर्ड काफी यूज है। अब हम देखते हैं, दिस कीवर्ड मेनली यूज फॉर करंट क्लास ऑब्जेक्ट। दिस क्या करता है? करंट क्लास के करंट क्लास रेफर टू करंट क्लास क्लास ऑब्जेक्ट। दिस जो होता है हमारा करंट क्लास के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है, मतलब जिस क्लास में हम काम कर रहे हैं उसमें जो है उस ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले क्या करता हूं, मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूं, उसके बाद उसका सॉल्यूशन दूंगा। अब देखते हैं, अगर मैं दिस यूज ना करूं तो प्रॉब्लम क्या होती है। पहले सबसे पहले प्रॉब्लम देखेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देंगे। किससे? दिस कीवर्ड से। एक क्लास ले लेते हैं एम्प्लॉय, क्लास ले लेते हैं एम्प्लॉय, इंट आईडी, एक स्ट्रिंग ले लेते हैं नेम, स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं, कंस्ट्रक्टर बना लिया यहां पर स्टूडेंट, सॉरी यहां पर क्या करते हैं एम्प्लॉय का क्या करते हैं एक कंस्ट्रक्टर, इंट आईडी कॉमा स्ट्रिंग नेम, यहां पर दोनों को पास कर देते हैं। क्या करता हूं मैं इस बार, ID is equal to ID and name is equal to name कर देता हूं। अब देखिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, क्लास लेवल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल दोनों सेम ही लग रहे हैं आपको। देखिए यहां पर ID और नेम और यहां पर लोकल ID और नेम दोनों सेम है, मतलब क्लास लेवल के और लोकल दोनों ही हमारे सेम है। देखते इससे प्रॉब्लम क्या होगी। अब डिस्प्ले कराता हूं दोनों वैल्यू को, वाइट डिस्प्ले एक मेथड यूज करता हूं, यहां पर दोनों को डिस्प्ले कराता हूं। सॉप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, क्या होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं। यहां पे क्या करेंगे, प्लस आईडी प्लस नेम। आप जानते हैं कि प्लस ऑपरेटर किस लिए होता है, स्ट्रिंग को कंकैटनेट करने के लिए। इसे बंद कर दीजिए यहां पे, और यहां पे क्या करते हैं आप मेन मेथड बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और स्ट्रिंग टाइप का आर्गुमेंट ए आर जी एस। यहां पे क्या करते हैं उसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एम्प्लॉय क्लास का, एम्प्लॉय इवन बराबर न्यू एम्प्लॉय। यहां पर कंस्ट्रक्टर कितनी वैल्यू मांग रहा है हमारी, दो वैल्यू मांग रहा है, एक इंटीजर टाइप की और स्ट्रिंग टाइप की। तो क्या करता हूं मैं दो वैल्यू पास कर देता हूं, यहां पर आईडी वन एंड नेम पास कर देते हैं, यहां पे हार्दिक हार्दिक पास कर देते हैं, यहां पे एक और बना लेते हैं एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट, एम्प्लॉय E2 बराबर न्यू एम्प्लॉय, यहां पर टू एंड विराट, विराट कोहली का नाम लिख देते हैं यहां पे, आजकल बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारा विराट कोहली। अब क्या करते हैं इवन डॉट डिस्प्ले एंड E2 डॉट डिस्प्ले, मेथड को कॉल कर दिया। अब देखिए यहां पे प्रॉब्लम क्या होगी, जब हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहां पे हमारी वैल्यू आ जाएगी जीरो और नल, मींस हमें डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएंगी। अब हमें डिफॉल्ट वैल्यू क्यों मिलेगी, जबकि हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, वन हार्दिक एंड टू विराट, बट आएगा क्या हमारा जीरो और नल। अब इसे प्रॉब्लम होगी, इसे प्रॉब्लम होगी यहां पर जब ये कंस्ट्रक्टर की जो वैल्यू है इस कंस्ट्रक्टर में पास होने के लिए जाएंगी,
तो यहां पे प्रॉब्लम होगी कि ये जो आईडी है लोकल क्लास लेवल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल दोनों में इसे डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होगी, इसीलिए हम अब क्या यूज करेंगे दिस कीवर्ड। इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है दिस कीवर्ड। अब यहां पे प्रॉब्लम हो रही थी कि वैल्यू किस में पुट करूं, इसमें या इसमें, क्योंकि लोकल और क्लास सॉरी क्लास लेवल और लोकल दोनों हमारी क्या है सेम है, इसलिए प्रॉब्लम थी। अब इसको डिफरेंशिएट करने के लिए अब हम क्या यूज करेंगे दिस कीवर्ड। ये तो थी हमारी प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। अब हम इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन निकालते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ, अब हम दिस कीवर्ड के थ्रू इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। अब मैं क्या करता हूं यहां पर क्या करता हूं दिस डॉट आईडी एंड दिस डॉट नेम। अब क्या हुआ, अब देखिए दिस डॉट आईडी और दिस डॉट नेम मैंने कर दिया। अब यहां पे जो कंस्ट्रक्टर में वैल्यू मैंने पास करी है वन एंड हार्दिक एंड टू एंड ब्रैड, क्या होगी वन वैल्यू जाएगी यहां पे लोकल में आईडी में एंड नेम किस में जाएगा इसमें, दोनों क्या लोकल, और फिर क्या हुआ ये दोनों स्टोर कर देंगे किस पे क्लास लेवल पे दिस डॉट आईडी एंड नेम दिस डॉट नेम, यहां पर क्या कर देंगे स्टोर कर देंगे, इससे क्या होगा यहां पे डिफरेंशिएट होगा। थैंक यू।